सिंचन कार्य की प्रभारी है और हमेशा चिंता करती है कि कहीं उसकी नई साथी उससे बेहतर प्रदर्शन ना करे। लगता है वो मुझसे ज्यादा काबिल है। ऐसे तो वो अपने कर्तव्य में और बेहतर होती जाएगी और कुछ समय में तो लोग भी उसे बेहतर मानने लगेंगे। ऐसे तो वो मुझसे बेहतर नहीं दिखने लगेगी। अपनी साथी से आगे निकलने के प्रयास में वह लगातार उससे अपनी तुलना करती रहती है। प्रतिस्पर्धा से उसे कष्ट होता है। वह सोचती है कौन सा भ्रष्ट स्वभाव उसके प्रतिस्पर्धा करने और जीतने को उकसाता है। वह अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए कैसे सत्य खोजती है। अप्रैल 2021 में कलीसिया ने मेरे और चेंशी के लिए मिलकर सिंचन कार्य करने की व्यवस्था की। जब मैंने ये खबर सुनी तो थोड़ी दुखी हो गई। चेंशी काबिल थी और सत्य पर स्पष्ट सहभागिता करती थी। कहीं थोड़े ही अभ्यास से वो मुझसे बेहतर प्रदर्शन ना करने लगे। पहले मैं उसके काम को जांचती थी, तो अगर उसने मुझसे बेहतर किया तो मैं इसे कैसे सहूंगी। बाद में पता चला कि अगुआ ने उसे बहुत मदद और समर्थन दिया था और उसे कई ज़रूरी कार्य करने को दिए थे। मैं समझ गई कि अगुआ उसे विकसित करना चाहते हैं। मैं बहुत निराश हुई और मन ही मन उसके खिलाफ हो गई। मैं कड़ी मेहनत करना चाहती थी ताकि वो मुझसे आगे न बढ़ सके। मैंने खुद को सभाओं में दूसरों के साथ संगति करने में व्यस्त कर दिया। हमेशा भाई बहनों के कार्य की समस्याओं का समाधान करती थी। मैं काम की चर्चाओं में जुड़ी रहती थी और दूसरे भी ज़्यादातर मुझसे सहमत होते थे। हमारे सिंचन का परिणाम कुछ समय बाद दिखना शुरू हो गया। मैं खुद से बहुत खुश थी और खुद को निपुण महसूस कर रही थी। चेंशी के लिए इस तरह के काम बिल्कुल नए थे। पहले वो चीज़ों को संभाल नहीं पाती थी और ये उसके लिए मुश्किल था। मैं जानती थी कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो कार्य के सिद्धांतों को सीख जाए, लेकिन मुझे डर था कि वो मुझसे आगे निकल जाएगी। इसलिए मैंने उसे विस्तार से बताए बिना बस एक संक्षिप्त सरल रूपरेखा बताई। जब मैंने उसे कर्तव्य में चुनौतियों की वजह से बुरी हालत में देखा तो मैं मन ही मन खुश हुई। मुझे लगा कि मैं अभी भी उससे ज्यादा काबिल हूं। बस अपने कर्तव्य का दिखावा करना और दूसरों को नजरअंदाज करना सहयोग करने का सही तरीका नहीं है। सच कहा, लेकिन उस समय मैं अपनी भ्रष्टता में फंसी हुई थी। मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। कुछ समय बाद चेंशी को धीरे धीरे काम की जानकारी हो गई और उसे अपने कर्तव्य में कुछ परिणाम मिले। भाई बहनों की समस्याओं को हल करने पर मैं अक्सर उसकी संगति सुनती थी और महसूस करती थी कि ये बहुत व्यवहारिक और स्पष्ट थी, जिसने मुझे बेचैन कर दिया। लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। अगर ऐसा रहा तो वो अपने कर्तव्य में और बेहतर हो जाएगी और कुछ समय में तो लोग भी उसे बेहतर मानने लगेंगे। ऐसा हुआ तो क्या वो मुझसे बेहतर नहीं दिखने लगेगी। फिर मुझे और ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। जब भी हम दूसरों के साथ सभा में होते थे तो मैं उसकी संगति देखा करती थी। जब मैंने देखा कि ये प्रबोधन है तो उससे बेहतर संगति करने के तरीके सोचने लगी। एक बार एक बहन अपने अहंकार की वजह से दूसरों के साथ अच्छा काम नहीं कर पा रही थी और इसका असर उसके काम पर पड़ा। मैंने सोचा उसकी समस्या की जड़ क्या थी और मुझे परमेश्वर के वचनों के किस अंश का उपयोग करना चाहिए और अपना अनुभव अपनी संगति में कैसे लाऊं। लेकिन मेरी मानसिकता ही गलत थी। मैं इसे शांति से नहीं सोच सकी। अंत में मैंने कुछ सतही समझ के आधार पर संगति की, जिससे उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। लेकिन चेंशी ने परमेश्वर के वचनों और अपने अनुभवों पर संगति की। वो बहन इससे जुड़ सकी और फिर अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो पाई। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। परमेश्वर ने उसे प्रबुद्ध क्यों किया, मुझे क्यों नहीं? उसे मुख्य भूमिका निभाने को मिली तो क्या दूसरे ये नहीं सोचेंगे कि वो मुझसे बेहतर है? इस विचार पर मैंने अपना मन बना लिया। अगली बार जब किसी को कोई समस्या हो तो मुझे इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा, ताकि सब देखें कि मैं समस्याएं आने पर सत्य पर सहभागिता कर सकती हूँ। बाद में एक बहन ने बताया कि निपटान किए जाने के बाद कैसे वो दूसरों की आलोचना करती थी।
मैं सोच रही थी कि मेरा भी ऐसा ही अनुभव था तो इस बार मैं अच्छी तरह से संगति कर सकती थी। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही चैनशी ने संगति करना शुरू कर दिया और इसे अपने असली अनुभवों से जोड़कर स्पष्ट बात की, और उसने वो सब बोला जो मैं बोलना चाह रही थी। मेरे पास अपनी समझ का एक सरल विवरण देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ये देखकर कि सभा के बाद चैनशी अच्छे मूड में थी, मुझे और भी जलन हुई और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उस शाम मैं बिस्तर पर लेटी तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगा कि दूसरों को चैनशी की संगति कितनी पसंद आई। लगा मैं उससे आगे कभी नहीं निकल पाऊंगी। नाम और लाभ के लिए लड़ने की स्थिति में रहना जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, ये बहुत ही दयनीय होता है। तुम्हें अपनी समस्या का एहसास कैसे हुआ? तब मुझे पता चल गया था कि मेरी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने परमेश्वर से खुद को प्रबुद्ध करने के लिए विनती की। बाद में एक सभा में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है, नाम और लाभ के लिए ललचाना मनुष्यों का स्वाभाविक व्यवहार है, जिनमें शैतान की दुष्ट प्रकृति मौजूद है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। सभी भ्रष्ट मनुष्य नाम और रुतबे के लिए जीते हैं, और सभी मनुष्य नाम और रुतबे के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। शैतान की सत्ता के अधीन रहने वाले सभी लोगों का यही हाल है। इसलिए जो कोई सत्य को स्वीकारता या समझता नहीं है, जो सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल सकता, शैतान के स्वभाव के साथ जीने वाला व्यक्ति है। शैतानी स्वभाव तुम्हारी सोच और व्यवहार पर पूरी तरह से हावी हो गया है। शैतान ने पूरी तरह तुम्हें अपने नियंत्रण और बंधन में जकड़ लिया है, और अगर तुम सत्य को स्वीकार करके शैतान को त्याग नहीं पाते तो तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। हमेशा सभी से आगे निकलने, सब कुछ दूसरों से बेहतर करने और हर तरह से भीड़ से अलग दिखने की मत सोचो। ये किस तरह का स्वभाव है? अहंकारी स्वभाव। लोगों का स्वभाव अहंकारी होता है। यदि वे सत्य के लिए प्रयास करना और परमेश्वर को संतुष्ट करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। वे अहंकार के काबू में हैं, इसलिए उनका भटकना आसान है। ऐसा स्वभाव हो तो तुम हमेशा दूसरों को नीचे रखने की, उनसे आगे निकलने की, मुकाबला करने की कोशिश करते हो। तुम बहुत ईर्ष्यालु होते हो, किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा अलग दिखना चाहते हो। ये समस्या है। ऐसे तो शैतान काम करता है। यदि तुम वाकई परमेश्वर के स्वीकार्य प्राणी बनना चाहते हो तो अपने सपनों के पीछे मत भागो। अपने लक्ष्य पाने के लिए श्रेष्ठ बनने और अधिक सक्षम दिखने का प्रयास करना बुरा है। तुम्हें परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी को समझदारी कहते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी असली हालत का खुलासा कर दिया। मैं हमेशा दूसरों के बीच पहले स्थान के लिए लड़ना चाहती थी, किसी से नीचे नहीं रहना चाहती थी। इसलिए मैं लगातार प्रतिस्पर्धा करती रही और दूसरों से ऊपर होना चाहती थी। क्योंकि मैं पहले चैनशी के काम को जांचती थी, इसलिए जब मैंने उसके साथ भागीदारी की तब मैं कार्य की क्षमताओं या सत्य पर संगति में उससे बदतर नहीं होना चाहती थी। जब पहले वो मुझसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो तेजी से आगे बढ़ रही है, समस्याओं को हल कर रही है और यहाँ तक कि भाई बहनों की स्वीकृति भी पाने लगी है, तो मैं असंतुष्ट और ईर्ष्यालु हो गई और उससे प्रतिस्पर्धा करने लगी। सत्य पर सहभागिता और समस्याओं को हल करते समय भी मैं दिखावा करना चाहती थी ताकि दूसरे लोग मुझे बेहतर माने। लेकिन मेरी मंशा ठीक नहीं थी। मैंने ईश वचनों पर विचार नहीं किया बल्कि सिर्फ नाम और लाभ पर ध्यान दिया। इसलिए मैं सिर्फ खोखले सिद्धांत पर ही संगति करती थी, जो दूसरों के लिए बिल्कुल भी शिक्षाप्रद नहीं था। इस बारे में मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि मुझे प्रबुद्ध ना करने के लिए मैंने परमेश्वर को दोष दिया। इस पल मैं कितनी अहंकारी और अविवेकी हो रही थी। कलीसिया ने मेरे और चैनशी के लिए सिंचन कार्य की व्यवस्था की थी ताकि हम एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें, अपने व्यक्तिगत कौशल का उपयोग करें और मिलकर कर्तव्य निभाएं। मेरा उससे कोई मेल नहीं था, लेकिन मुझमें आत्म जागरूकता का अभाव था। मैं हमेशा उससे बेहतर बनने और अहम भूमिका निभाने की कोशिश करती, छिपकर रुतबे में लाभ और हानि की गणना करती थी।
अपने कर्तव्य या कलीसिया के कार्य के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करती थी। मैं बहुत अहंकारी और अविवेकी थी और शैतानी स्वभाव दिखा रही थी। परमेश्वर से घृणा करती थी। इस संगति ने मेरी तो आंखें खोल दी। हमेशा जीतने के लिए काम करना अहंकारी बनाता है और आत्मज्ञान की कमी लाता है। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे अपने रवैये को सुधारने और चैनशी के साथ काम करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने को कहा। फिर जब मैंने देखा वो मुझसे ज़्यादा स्पष्टता से सत्य पर सहभागिता करती है, तो मैंने प्रार्थना कर अपनी इच्छाओं का त्याग किया। ऐसे अभ्यास करने से मेरी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। लेकिन क्योंकि मुझ में अपनी प्रकृति और सार की सही समझ नहीं थी, इसलिए कुछ समय बाद वही समस्या फिर उठ खड़ी हुई। सभाओं में चैनशी और मैंने कुछ भाई बहनों की मेज़बानी की। ज़्यादातर संगति उसने की, जबकि मैंने बस इधर उधर थोड़ा बहुत योगदान दिया। एक या दो बार तो ठीक था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि मेरा वजूद ही नहीं है, और हर सभा से निराश होकर निकली। क्या मैं हमेशा दूसरी भूमिका निभाती रहूँगी? इससे नाखुश होकर मैं चुपके से प्रतिस्पर्धी बन गई। मैं ना तो चैनशी से बेहतर संगति कर सकी और ना समस्याएं हल कर सकी, तो मैंने कार्यों की देखरेख करने में अपना ध्यान लगाया ताकि सिंचन कार्य को ज़्यादा प्रभावी बना सकूं। इससे सभी को मेरी काबिलियत दिखती। जब किसी चीज़ की खोज खबर रखने की ज़रूरत होती थी, तो मैं चैनशी से बात किए बिना खुद ही चली जाती थी। बाद में मैं इस मामले में उससे थोड़ा बेहतर करने लगी और फिर से अहंकारी हो गई। लगा मैं उससे बदतर नहीं हूँ। उसके बाद से मैं संगति करने और समस्याओं को हल करने में भी उससे आगे निकलना चाहती थी। फिर एक बार एक सभा में उसे सामने रखने के बजाय मैं सारी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी, इसलिए मैं एक बहन की समस्याएं हल करने का प्रयास करने लगी। लेकिन मेरा इरादा सही नहीं था और मैंने उसकी समस्या को समझने से पहले ही संगति करने की जल्दी कर दी। नतीजतन मैंने बहुत सहभागिता की पर कुछ ठीक नहीं हुआ। दूसरों ने मेरी हालत देखकर मेरे साथ संगति की और नाम और रुतबे के लिए अपनी साथी से प्रतिस्पर्धा नहीं करने को कहा, क्योंकि इससे हमारी प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा। ये सच है। मेरे लिए उनका इस बात पर जोर देना बहुत शर्मनाक और परेशान करने वाला था। और जब मैंने इतना समय ले लिया, तो हमारे पास अपने काम की समस्याएं हल करने का समय ही नहीं बचा और सभा को जल्दबाजी में समेटना पड़ा। घर के रास्ते पर मैंने सभा में अपने व्यवहार के बारे में सोचा। इस बात को हजम कर पाना बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि मैं चैनशी से बेहतर हूँ, जिसमें मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। हमारे काम की समस्याएं अनसुलझी रहीं और सभा बिल्कुल भी फलदायी नहीं रही। मैं कलीसिया के काम और कलीसिया जीवन में रुकावट पैदा कर रही थी। मैं जितना इस बारे में सोचती उतनी ही ज़्यादा परेशान हो जाती। मुझे नहीं पता था कि अपने भ्रष्ट स्वभाव को कैसे सुलझाऊं। कुछ समय तक, क्योंकि मैं नाम और लाभ के लिए लड़ने की हालत में फंसी रही, इसलिए जब मैंने चैनशी को काम और हालात में संघर्ष करते देखा, तो मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी और यही कहती थी कि वो कोशिश नहीं कर रही थी, जिससे वो और ज़्यादा निराश हो गई। हमारे बीच दूरियाँ बढ़ती चली गईं और हमारा कार्य प्रदर्शन प्रभावित हुआ। जब अगुआ को मेरी हालत का पता चला, तो नाम और लाभ के लिए लड़ने और अपने साथी को किनारे करने पर मुझे फटकारा और कहा कि ये बुरी मानवता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा, तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे प्रबुद्ध करे ताकि मैं खुद को जानकर समस्याएं सुलझा सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मैं उन्हें पढ़ती हूँ। ये रहे। तुम लोगों में से हर एक अधिकता के शिखर तक उठ चुका है। तुम लोग पितरों के रूप में आरोहण कर चुके हो। तुम लोग अत्यंत स्वेच्छाचारी हो और आराम की जगह खोजते हुए अपने से छोटे भुनगों को निगलने के प्रयास में उन सभी भुनगों के बीच पगला कर दौड़ते हो। अपने हृदय में तुम लोग द्वेषपूर्ण और कुटिल हो और समुद्र तल में डूबे हुए भूतों को भी पीछे छोड़ चुके हो। तुम गोबर की तली में रहते हो और ऊपर से नीचे तक
भुनगों को तब तक परेशान करते हो जब तक कि वे बिल्कुल अशांत न हो जाएं, और थोड़ी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद शांत होते हो। तुम लोगों को अपनी जगह का पता नहीं है, फिर भी तुम लोग गोबर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हो। इस तरह की लड़ाई से तुम्हें क्या हासिल होगा? यदि तुम लोगों के हृदय में मेरे लिए आदर होता तो तुम लोग मेरी पीठ पीछे एक दूसरे के साथ कैसे लड़ सकते थे? तुम्हारी हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, क्या तुम फिर भी गोबर में एक छोटा सा बदबूदार कीड़ा नहीं हो? क्या तुम पंख उगाकर आकाश में उड़ने वाला कबूतर बन पाओगे? आमीन, आमीन। परमेश्वर उन लोगों को उजागर करता है जो अपनी जगह को नहीं जानते, खुद की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, रुतबे के लिए आपस में लड़ते झगड़ते और परमेश्वर का भय किए बिना एक दूसरे पर हमला करते हैं। सही कहा, ईश्वचनों से अपनी तुलना कर मैंने जाना कि मैं ऐसी ही थी। मैं हमेशा खुद की बहुत परवाह करती थी, सोचती थी कि मैं हर तरह से चैनशी से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं पहले उसकी जांच करती थी। मैंने हर तरह से उसे मात देने की कोशिश की। मैंने उसके साथ सिंचन कार्य की प्रगति पर चर्चा नहीं की, बल्कि अकेले फैसला लिया, और मैं खुद को साबित करने के लिए सभाओं में समस्या का समाधान करना चाहती थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ या नहीं, या ये सभा की प्रभावशीलता पर असर डालेगा या नहीं। जब मैंने देखा कि वो काम में संघर्ष कर रही है और अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मैंने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके दुख में आनंद लिया, जानबूझकर उसे खुद से छोटा दिखाया। इसने उसे और ज़्यादा नकारात्मक बना दिया। मुझ में ज़रा सी भी मानवता नहीं थी। मैंने जाना कि परमेश्वर उन कीड़ों का खुलासा करता है जो अपनी हैसियत नहीं जानते और हमेशा कबूतर की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे लगा जैसे मैं भी उतनी ही बदसूरत थी और मुझे कोई शर्म नहीं थी। मुझे साफ तौर पर सच की ज़्यादा समझ नहीं थी, ना ही मैं दूसरों की समस्याएं हल कर पाती थी। फिर भी मैं दिखावा करना और दूसरों से आगे निकलना चाहती थी। इससे ना केवल मेरी बहन को चोट पहुंची, बल्कि कलीसिया के काम पर भी बुरा असर पड़ा। इस बारे में जितना सोचा उतना दोषी महसूस किया। मैंने मसीह विरोधियों को उजागर करने वाले ईश्वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे वे किसी भी समूह में क्यों न हों, मसीह विरोधियों का आदर्श वाक्य क्या होता है? मुझे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। मुझे सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ये मसीह विरोधियों का स्वभाव है। वे जहां भी जाते हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करते हैं। वे शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया के काम में बाधा डालते हैं। मसीह विरोधियों का स्वभाव ऐसा होता है। वे कलीसिया के चारों ओर ये देखने से शुरुआत करते हैं कि कौन लंबे समय से परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है और किसके पास पूंजी है, किसके पास कुछ गुण या विशेष कौशल हैं, कौन भाई बहनों के जीवन प्रवेश में लाभकारी रहा है, किसे अच्छा माना जाता है, किसमें वरिष्ठता है, किसका भाई बहनों के बीच आदर से उल्लेख किया जाता है, किसमें अधिक सकारात्मक चीजें हैं। उन्हीं लोगों से उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी है। संक्षेप में, हर बार जब मसीह विरोधी लोगों के समूह में होते हैं तो वे हमेशा यही करते हैं। वे हैसियत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, अच्छी प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मामलों पर अपना कहा मनवाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और समूह में निर्णय लेने की परम शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनकी प्राप्ति उन्हें खुश कर देती है। मसीह विरोधियों का इतना घमंडी, घिनौना और अविवेकी स्वभाव होता है। उनके पास
न तो जमीर होता है, न विवेक, न ही सत्य का कोई कण। मसीह विरोधी के कार्यों और कर्मों में देखा जा सकता है कि वो जो कुछ करता है उसमें सामान्य व्यक्ति का विवेक नहीं होता, और भले ही कोई उनके साथ सत्य के बारे में संगति करे, वे उसे नहीं स्वीकारते। तुम्हारी बात कितनी भी सही हो, उन्हें स्वीकार्य नहीं होती। एकमात्र चीज जिसका वे अनुसरण करना पसंद करते हैं वो है प्रतिष्ठा और हैसियत, जिसके प्रति वे श्रद्धा रखते हैं। जब तक वे हैसियत के लाभ उठा सकते हैं तब तक वे संतुष्ट रहते हैं। वे मानते हैं कि ये उनके अस्तित्व का मूल्य है। चाहे वे किसी भी समूह के लोगों के बीच हों, उन्हें लोगों को वो प्रकाश और गर्मी दिखानी होती है जो वे प्रदान करते हैं। अपनी विशेष प्रतिभा, अपनी अद्वितीयता दिखानी होती है। चूंकि वे मानते हैं कि वे विशेष हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि उनके साथ दूसरों से बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए, कि उन्हें लोगों का समर्थन और प्रशंसा मिलनी चाहिए, कि लोगों को उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि ये सब उनका हक है। क्या ऐसे लोग निर्लज्ज और बेशर्म नहीं होते? आमीन। परमेश्वर खुलासा करता है कि मसीह विरोधी किसी के साथ साझेदारी नहीं कर सकते। वे हमेशा केंद्र में रहना चाहते हैं और दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव दुष्ट होता है। वे परमेश्वर से घृणा कर उसका शाप पाते हैं। आत्मचिंतन करने पर मैंने देखा कि मुझमें एक मसीह विरोधी का स्वभाव भी दिख रहा था। कलीसिया ने मेरे और चैनशी के लिए मिलकर कार्य करने की व्यवस्था की, लेकिन मैं एक सितारा बनकर अकेली चमकना चाहती थी। चैनशी की स्पष्ट सहभागिता और उसे दूसरों की स्वीकृति पाते देखकर मुझे उससे बहुत जलन हुई और लगा कि अगर वो कलीसिया में रहेगी तो मुझे कोई अहमियत नहीं मिलेगी। मैंने उसे अपना प्रतिद्वंद्वी माना। मैंने काम में उसका संघर्ष देखा, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उसे अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया, जिससे वो नकारात्मक महसूस करने लगी। मैंने बार बार उसे बाहर रखा तो उसकी हालत बदतर होती गई, लेकिन मैंने दोषी या परेशान महसूस नहीं किया। इसके बजाय लगा अब मैं सुर्खियां बटोरने और प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम हो गई हूँ। कर्तव्य के प्रति उसके उत्साह को निशाना बनाते हुए कुछ अपमानजनक बातें कहीं ताकि उसकी असली खूबियाँ सामने ना आए। ये उसके लिए बहुत दुखदायी था। मैं इन शैतानी जहर के साथ जी रही थी, जैसे केवल एक ही अल्फा पुरुष हो सकता है और सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बस मैं ही हूँ। मैं सबसे अलग दिखना चाहती थी। मैंने उसे बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाई ताकि मैं बाकियों से ऊपर खड़ी हो सकूं। मुझमें लेश मात्र भी विवेक नहीं था। मैंने कलीसिया के कुछ मसीह विरोधियों के बारे में सोचा। दूसरों के बीच वे सिर्फ अपने रुतबे की परवाह करते थे, उनकी प्रशंसा पाना चाहते थे। उन्हें किसी को खुद से आगे निकलते देखना बर्दाश्त नहीं था, और जब उनके रुतबे पर खतरा मंडराता तो वे दूसरे व्यक्ति को दंडित करने के लिए घिनौनी तरकीबें अपनाते। आखिर में उनके कुकर्मों के कारण परमेश्वर ने उन्हें उजागर कर त्याग दिया। मैं हमेशा दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति चाहती थी। मैंने अपने साथी को नीचा दिखाया ताकि वो अपनी जगह न बना सके। मैं मसीह विरोधी पथ पर थी। अगर मैं नाम और लाभ के लिए लड़ती रही और कलीसिया के काम में बाधा डालती रही तो मेरा हाल भी बिल्कुल मसीह विरोधियों जैसा ही होगा। परमेश्वर मुझे दंड और शाप देगा। ये मेरे लिए एक भयावह विचार था। मैंने प्रार्थना कर पश्चाताप करना चाहा। आपकी संगति से मैं देखती हूँ कि नाम और रुतबे के पीछे भागना हमें मसीह विरोधी पथ पर ले जाता है। अगर हम कलीसिया के काम में बाधा डालेंगे तो परमेश्वर हमें त्याग देगा। हाँ। सच कहा। उसके परिणाम भयानक होते हैं। उसके बाद तुमने सत्य का अभ्यास और उसमें प्रवेश कैसे किया? मैंने कई अंश पढ़े।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रतिष्ठा और हैसियत छोड़ना आसान नहीं है। ये लोगों के सत्य का अनुसरण करने पर निर्भर करता है। केवल सत्य समझकर ही व्यक्ति खुद को जान सकता है। प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे दौड़ने का खोखलापन स्पष्ट रूप से देख सकता है और मानव जाति की भ्रष्टता का सत्य पहचान सकता है। तभी व्यक्ति वास्तव में हैसियत और प्रतिष्ठा त्याग सकता है। भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाना आसान नहीं है। शायद तुम पहचान गए हो कि तुम में सत्य की कमी है। तुम कमियों से घिरे हो और बहुत अधिक भ्रष्टता प्रकट करते हो, फिर भी तुम सत्य का अनुसरण करने का कोई प्रयास नहीं करते और पाखंड पूर्वक छद्म वेश धारण कर लोगों को विश्वास दिलाते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हें खतरे में डाल रहा है। ये देर सबेर तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर देगा। तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि तुम्हारे पास सत्य नहीं है और पर्याप्त बहादुरी से वास्तविकता का सामना करना चाहिए। तुम कमजोर हो, भ्रष्टता प्रकट करते हो और हर तरह की कमियों से घिरे हो। ये सामान्य है। तुम एक सामान्य व्यक्ति हो। तुम अलौकिक या सर्वशक्तिमान नहीं हो और तुम्हें ये पहचानना चाहिए। तुम लोगों के आचरण के कौन से सिद्धांत हैं? तुम्हारा आचरण तुम्हारे पद के अनुसार होना चाहिए। अपने लिए सही पद खोजो और जो कर्तव्य तुम्हें निभाना चाहिए उसे निभाओ। केवल ऐसा व्यक्ति ही समझदार होता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग एक पेशे में अच्छे होते हैं और उसके सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस क्षेत्र में अंतिम जांचें करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने विचार और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति उनके विचार पर आगे कार्य करने और अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाने में सक्षम हो पाता है। तो फिर उन्हें अपने विचार साझा करने चाहिए। यदि तुम अपने लिए सही पद खोज सकते हो और अपने भाई बहनों के साथ सद्भाव से कार्य कर सकते हो, तो तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे और तुम अपने पद के अनुसार आचरण करोगे। चूंकि किसी के लिए भी अपने दम पर किसी काम को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो या कोई भी काम कर रहा हो, अगर कोई बताने और सहायता करने वाला हो तो ये हमेशा अच्छा ही होता है। अपने स्तर पर करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा, लोगों की काबिलियत क्या कर सकती है या वे स्वयं क्या अनुभव कर सकते हैं, इसकी सीमाएं होती हैं। कोई भी इंसान हरफन मौला नहीं हो सकता। किसी के लिए भी हर चीज को जानना, सीखना, उसे पूरा करना असंभव होता है और सभी को इस बात की समझ होनी चाहिए। इसलिए तुम चाहे जो काम करो, वो महत्वपूर्ण हो या न हो, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा कोई न कोई होना चाहिए, तुम्हें सुझाव और सलाह देने वाला या तुम्हारे साथ सहयोग करते हुए काम करने वाला। काम को ज्यादा सही ढंग से करने, कम गलतियां करने और कम भटकने का यही एकमात्र तरीका है, जो बहुत अच्छी बात है। आमीन।
मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का मार्ग मिला। मुझे नाम और रुतबे के पीछे भागने की इच्छा छोड़नी होगी। अपनी कमियों और खामियों का सामना करने लायक बनकर अपने स्थान पर खड़ी होना होगा। जब चीज़ों का सामना हुआ तो कलीसिया के हितों और दूसरों के जीवन प्रवेश पर विचार किया। अपने साथी के साथ अच्छे से काम करना होगा ताकि हम मिलकर कलीसिया का काम आगे बढ़ा सकें। पहले मैं चंशी के काम के लिए जिम्मेदार थी और मुझे थोड़ा काम का अनुभव भी था, लेकिन सत्य और समस्या समाधान पर संगति करने में मैं फिर भी बहुत पीछे रह गई। मुझे व्यवहारिक अनुभव नहीं था और मैं बहुत से मुद्दों को समझ नहीं सकी या हल नहीं कर सकी। मुझे अपनी इन कमियों को स्वीकारना और इनका सामना करना चाहिए। सही कहा। चैनशी की संगति रोशन करने वाली और भाई बहनों के जीवन प्रवेश के लिए मददगार थी। मुझे उसका समर्थन करना चाहिए और उसे उसका कौशल दिखाने देना चाहिए। इस तरह मैं उसकी खूबियों से सीखकर अपनी कमजोरियों को दूर कर पाती, जिससे मेरे जीवन प्रवेश और कलीसिया के कार्य को लाभ पहुंचता। अभ्यास करने का ये बढ़िया तरीका है। अपनी कमियों का सही से सामना करने और दूसरों की खूबियों से सीखने से दूसरों के साथ काम करना आसान होता है। हाँ। सच कहा। बाद में जब मैंने सभाओं में सहभागिता करने के लिए चंशी के साथ काम किया तो मैं सही इरादा रखती थी और जो समझ में आता उस पर ही संगति करती थी। चंशी को जिसकी समझ होती उस पर उसे सहभागिता करने देती थी और मैं इसकी पूरक बन जाती थी। जब मैं दूसरों को उसकी संगति स्वीकारते देखती थी तो कभी कभी प्रतिस्पर्धा महसूस होती थी, लेकिन मैं जल्दी से देख पाती थी कि मेरी हालत ठीक नहीं है। फिर मैं प्रार्थना कर खुद की इच्छाओं को त्याग देती, कलीसिया के काम को प्राथमिकता देती और चंशी का सहयोग करती। तब मेरी ईर्ष्या इतनी प्रबल नहीं रहती थी और मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी। इसके बजाय मैं उसके साथ दूसरों की समस्याएं हल करने का सोचती थी। मैं अब अपने भ्रष्ट स्वभाव से पिछड़ नहीं रही थी और अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो गई थी। मैं जानबूझकर चंशी के साथ मिलकर काम करती थी और जब उसे कोई समस्या आती तो मदद की पेशकश करती थी। कुछ समय बाद हमारे सिंचन कार्य में सुधार हुआ और हम दोनों ने प्रगति कर ली। इस अनुभव से मुझे शांति महसूस हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों पर अमल करके हम नाम और रुतबे को त्याग सकते हैं। परमेश्वर के वचनों पर अमल करना